Good morning, children. Welcome to our Orient Public School online educational channel. Today is geography class for class 10th, and I will complete, uh, I will teach you chapter 1, and I also complete this chapter in two lectures. Our first chapter name is Resources and Development, means Sansadhan Evam Vikas. Hearing the name of this chapter, you must have remembered that you have already read it in previous classes. इस चैप्टर का नाम सुन के आपको याद आ गया होगा कि आपने इस चैप्टर को पिछली कई कक्षाओं में पढ़ चुका है जैसे कि सेवन्थ में भी एट्थ में भी नाइन्थ में भी और अब आप टेंथ में भी इसको पढ़ने जा रहे हैं जी हाँ संसाधन लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है कि आप इसमें संसाधनों के विकास के बारे में भी पढ़ेंगे और थोड़ा सा विस्तृत रूप में पढ़ेंगे तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि कैन यू आइडेंटिफाई एंड नेम द वेरियस आइटम्स यूज इन मेकिंग लाइफ कम्फर्टेबल इन आवर विलेज एंड टाउन लिस्ट द आइटम्स एंड नेम द मेटेरियल यूज इन देअर मेकिंग ये आपका एक टास्क रहा कि आप अपने आसपास में जितने भी गांवों शहरों में मतलब जो भी है उन वस्तुओं का आप ना आपको नाम बताना है जो कि आपको जीवन जीवन में आराम पहुंचाते हैं और ऐसी वस्तुओं की एक सूची तैयार करनी है लिस्ट बनाना है और उनको बनाने में जो प्रयोग होने वाले पदार्थ होते हैं उनका भी नाम लिखना है सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर एवरी थिंग एवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिसफाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल इकोनॉमिकली फेसिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज रिसोर्सेज यानी कि इस रिसोर्स होते क्या हैं संसाधन क्या होते हैं तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी की टेक्नोलॉजी भी एवेलेबल है उपलब्ध है जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है यानी कि एक्सेप्टेबल है वही संसाधन है रिसोर्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स इन इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विथ नेचर थ्रो टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्रेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो सबसे पहले कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति उसकी टेक्नोलॉजी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में संसाधन जो है वो निहित है और मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को स्पीड को तेज़ करने के लिए मोशन को तेज़ करने के लिए वो संस्थाओं का इंस्टीट्यूशन का निर्माण करते हैं डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ़ नेचर एज यू अस्यूम्ड बाई मेनी दे आर नॉट यस आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि मतलब अन्य लोगों की तरह कि संसाधन को प्रकृति का उपहार समझते हैं तो ऐसा नहीं है संसाधन जो है रिसोर्सेज आर फंक्शन ऑफ़ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ह्यूमन बींग्स देम सेल्वस आर इसेंशियल कम्पोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज संसाधन जो है वो मानव मतलब मानव जो है वो स्वयं संसाधनों का मतलब उनका जो क्रिया वो करते हैं उसी का वो रिजल्ट है परिणाम है यानी कि संसाधन जो है वो मानवीय क्रियाओं का परिणाम है परिणाम है अब मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है वे पर्यावरण में मतलब हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी पदार्थ हैं जो उसको वो क्या करते हैं संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उनका यूज़ करते हैं अब इस तरह हम देखते हैं कि दिस रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाइड इन द फॉलोइंग वेज हम लोग अब बात करते हैं संसाधनों का क्लासिफिकेशन के बारे में कि उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बायोटिक एंड अबायोटिक हम लोग संसाधन का क्लासिफाई क्लासिफिकेशन करते हैं उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव यानी कि जैविक और अजैविक बायोटिक एंड अबायोटिक पे दूसरा करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सायेबिलिटी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल समाप्यता के आधार पर अगर देखा जाए तो संसाधनों का वर्गीकरण हम नवीकरण योग्य और अनवीकरण करण योग्य पर करते हैं तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप यानी कि स्वामित्व के आधार पर इंडिविजुअल कम्युनिटी एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल यानी कि इंडिविजुअल कमिटी यानी कि व्यक्तिगत सामुदायिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं फिर हमारा सबसे लास्ट आया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट जी हाँ विकास के स्तर के आधार पर अगर हम संसाधन को क्लासिफिकेशन करते हैं उसका वर्गीकरण करते हैं तो वो आता है आपका पोसेंशियल यानी कि संभावी और डेवलप्ड यानी कि डेवलप्ड स्टॉक यानी कि विकसित भंडार और रिजर्व्स यानी कि संचित को जो संचित किया गया हुआ है वो उस पर करते हैं अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज यहाँ आप जैसे कि एक ये आपका डायग्राम बना हुआ है इसमें दिया हुआ है इस टेबल में कि किस तरह से रिसोर्स को कितने भागों में बांटते हैं हम लोग तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ uh, ये टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज रिसोर्सेज के प्रकार तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन हम अब एक एक के बारे में पढ़ते हैं तो स्वामित्व के आधार पे जैसे उत्पा सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति के आधार पे तो ऑन द बेसिस बायोटिक रिसोर्सेज उत्पत्ति के आधार पे पहला हुआ बायोटिक रिसोर्सेज जो कि क्या होते हैं तो उसके बारे में हम जानेंगे दिसज आर ऑप्टेन फ्रॉम बायोस्पियर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स फ्लोरा एंड फोना फिशरीज लाइव स्टॉक इटी एंड अबायोटिक रिसोर्सेज ऑल दिज दोज थिंग्स वीच आर कंपोज लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज फॉर एग्जाम्पल रॉक्स एंड मेटल्स जी हाँ अब जैविक और अजैविक संसाधन क्या होते हैं तो जैविक संसाधन उन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल जैव मंडल से होती है यानी जीव मंडल से होती है इनमें जीवन व्याप्त होता है जैसे कि मनुष्य हुआ वनस्पति जात हुआ प्राणी जगत हुए मत्स्य जीवन हुए पशुधन हुए ये सारे जैविक संसाधन हुए और अजैविक यानी कि अबायोटिक वे सारे संसाधन वे सारे रिसोर्सेज जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं वो अजैव संसाधन कहलाते हैं जैसे हुए रॉक्स हुए मेटल्स हुए यानी कि चट्टानी हुए धातुए हुए ये सारे हो गए अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सुआबिलिटी यानी कि समाप्यता के आधार पे तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल की तो व्हाट इज़ रन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड व्हाट आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नॉन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी वाटर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इटिसी द रिन्यूएबल रिसोर्स में फर्दर बी डिवाइडेड इन टू और फ्लो इन फिगर वन में आपका दिया हुआ है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दीज अक्योर

भौतिक रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा मतलब पुनः उसको उत्पन्न किया जा सकता है यानी कि फिर से हम उसको तैयार कर सकते हैं वो उसको यूज़ करके फिर से हम उसको तैयार कर सकते हैं वो नवीकरण यानी कि उसका हम यूज़ कर सकते हैं तो वो हो गया रिन्यूएबल <coughs> जैसे हो गया आपका इसमें सौर ऊर्जा सौर सौर तथा पवन ऊर्जा हुआ जल हुआ जल को हम लोग बर्फ भी बना सकते हैं और बर्फ़ से पुनः उसको वाटर में बना सकते हैं जल बना सकते हैं तो ये रिन्यूएबल हुआ दूसरा हुआ नॉन रिन्यूएबल इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है जैसे खनिज हुआ जीवाश्म ईंधन हुआ ये सारे जो है इन संसाधनों के उदाहरण हैं और इनके बनने में मतलब इनको बनने में जैसे नॉन रिन्यूएबल को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं इनमें से कुछ संसाधन वैसे वस्तुएं हैं जैसे उसमें कि कुछ ऐसी धातुएं धातु हैं जैसे पुनः चक्रीय हैं जैसे कुछ संसाधन जैसे जीवास मिंधन अचक्रिय वे एक बार के प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं यानी कि नॉन रिन्यूएबल में कुछ ऐसे होते हैं कि जो वो पुनः तैयार भी हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि वो एक बार बनने के बाद मतलब वो प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप यानी कि स्वामित्व के आधार पर तो इसमें आपका आ गया इंडिविजुअल रिसोर्सेज कम्युनिटी एंड ऑन रिसोर्सेज तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज़ क्या होते हैं तो इंडिविजुअल रिसोर्स जो होते हैं वो होते हैं संसाधन जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा जितनी भूमि होती है लैंड होती है उसके बदले में वे सरकार को क्या देते हैं टैक्स भरते हैं गांव में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो भू मतलब लैंड के ऑनर होते हैं यानी कि वो मालिक होते हैं और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि लैंडलेस होते हैं यानी कि उनके पास भूमि ही नहीं होती है जमीन ही नहीं होती है शहरों में लोग भूखंड मतलब जैसे ज़मीन हुए घर अन्य जायदाद के मालिक होते हैं बाग चरागाह तालाब और कुआं ये सारे का मालिक होता है वो जैसे तो ये सारे जो होते हैं जैसे कुआं हुआ बगीचा हुआ खेत हुआ ये सारे जो होते हैं ये निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण होते हैं और अपने परिवार के संधान मतलब जैसे मतलब सभी के पास कुछ ना कुछ होता है जैसे ये एक छोटा सा फील्ड ही देख लीजिए तो ये सब जो हुआ ये इंडिविजुअल रिसोर्सेज हुआ यानी कि ये निजी व्यक्तिगत संसाधन हुए जिसका सिर्फ हम मतलब उसको उस पर सिर्फ हमारा मतलब उस व्यक्ति का अधिकार होता है अब कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज यानी कि सामुदायिक तो सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन ये संसाधन होते हैं जैसे आपका पार्क हो गया गाँव का स्कूल हो गया ये सरकारी स्कूल जैसे हुआ सो या फिर लाइब्रेरी हो गया ये सारे जो होते हैं ये कम्युनिटी के होते हैं पिकनिक स्पॉट्स जो होते हैं प्ले ग्राउंड्स हुए मतलब शहरों में देखा जाए तो पार्क हुआ तो ये सारे चीज़ जो होते हैं ये कम्युनिटी ऑन रिसोर्स यानी कि ये सामुदायिक होते हैं सभी पे सभी का इन पर अधिकार होता है अब बात करते हैं नेशनल नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो जी ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग द टू द नेशन यानी कि तकनीकी तौर पे अगर देशा देखा जाए तो देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन जो कि क्या है वो राष्ट्रीय हैं देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वो व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में क्या किया जाए अधिग्रहित कर सकती है और आ यू नो यू माइट हैव सीन रोड्स कैनल्स रेलवेज बीग कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड्स ऑन बाई सम इंडिविजुअल्स आपने देखा होगा कि आम मतलब जैसे क्या कहते हैं उसको आम जनता के हित में जितना भी मतलब सरकार जो है कि आपने देखा होगा कि सड़कें नहरें और रेल लाइन व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई हैं शहरी विकास जो है वो प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि मतलब सबको भूमि का अधिकार दिया हुआ है जो कि सड़क जो कि वो सिर्फ किसका है वो सरकार की सड़क है ना ही हमारी है ना ही आपकी वो सड़क है तो ये सारी चीज़ जो है वो सरकार ने दिया है तो ये सारे संसाधन जो होते हैं चाहे रेलवे लाइन हुआ नहर हुआ सड़क हुआ ये सारे जो होते हैं ये राष्ट्रीय संसाधन में आते हैं अब देखते हैं जैसे कि इसमें एक दिया हुआ ऑल द मिनरल्स वाटर रिसोर्सेज फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ लैंड विद इन द पोलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशियनिक एरिया ट्वेल्व न्यूटिकली माइल्स ट्वेंटी टू पॉइंट टू किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट टर्म एज टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज देर इन बिलोंग टू द नेशन जी हाँ अब हम देखेंगे क्या सारे खनिज पदार्थ जल संसाधन वन वन्य जीव राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और बारह समुद्री मिल तक महासागरीय क्षेत्र वो इसमें पाए जाने वाले संसाधन ये सारे क्या हैं ये सब राष्ट्र की संपदा है यानी कि ये सारे राष्ट्रीय संसाधन है. इंटरनेशनल हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ जैसे संसाधनों को नियंत्रित करती है तटरेखा से अगर टू हंड्रेड अगर समुद्री मील की दूरी से पड़े खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है वो सिर्फ वो अंतर्राष्ट्रीय वो उस पर सारे देशों का वो अधिकार है तो इसलिए ये क्या हो गया इंटरनेशनल हुआ साथ में इंटरनेशनल में एक और चीज़ है मस्ट इम्पॉर्टेंट वो है आपका कि ये जो है यूटिलाइज दिस विदाउट द कंक्रुएस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता यानी कि इन संसाधनों को जितने भी इसमें इंटरनेशनल रिसोर्सेज हुए कुछ बाउंड्रीज़ है कुछ समुद्र का जोन है मतलब समुद्री मिल है ये सारे जो है खुले महासागरीय संसाधन ये सारे जो है इस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है और अगर इस पर किसी को अगर लेना भी होगा मतलब इस पर अधिकार करना भी चाहेगा तो वो नहीं कर सकता चाह के भी और साथ में मतलब इसमें जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उनकी सहमति के बिना इसका उपयोग ना ही हम कर सकते हैं ना ही आप कर सकते हैं ना ही कोई और देश कर सकता है बिना किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के सहमति के बिना एक और चीज़ डू यू नो दैट इंडिया हैज़ गॉट द राइट माइंड मैगनीज़ नोड्यूल्स फ्रॉम द बेड ऑफ़ द इंडियन ओशन फ्रॉम दैट एरिया विच लाइज बॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आइडेंटिफाइड सम देर सम अदर रिसोर्सेज विथ विच आर इंटरनेशनल इन नेचर क्या आप जानते हैं कि भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तलहटी से मैगजीन सॉरी मैगनीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की भी आप पहचान कर सकते हैं अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के स्तर पर आधार तो संभावी संसाधन पहले क्या होते हैं यानी कि पोटेंशियल रिसोर्सेज ये वह संसाधन है जो किसी भी प्रदेश में विद्यमान होते हैं मतलब होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि भारत के पश्चिमी भाग पर विशेषकर आप खास तौर पर देख सकते हैं कौन सा दिया हुआ है राज्य राजस्थान एंड गुजरात हैव इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपर्टी यानी कि राजस्थान जैसे कि आप देख रहे हैं कि विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है अब है डेवलप्ड रिसोर्सेज यानी कि विकसित संसाधन ये वो संसाधन है जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है और विकसित संसाधन ये सारे क्या कहलाते हैं ये सारे कहलाते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेस कहलाते हैं विकसित संसाधन कहलाते हैं संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है डिपेंड करता है अब स्टॉक्स मटेरियल्स इन द इन्वायरमेंट विच हैव द पोसेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट द अप्रिशिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दिज आर दीज आर इंक्लूडेड इमंग स्टॉक फॉर एग्जाम्पल वाटर इज कंपाउंड ऑफ टू गैसेज टू गैसेज हाइड्रोजन कैन बी यूज एज ए रिच सोर्सेज ऑफ एनर्जी बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्नोलॉजी के नो हाउ टू यूज इट्स फॉर द पर्पज हेंस इट कैन बी कंसिडर्ड एज स्टॉक तो अब इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे कि स्टॉक यानि कि भंडार पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की हमारी नीड को फुलफिल कर सकते हैं परंतु उपयोग प्रौद्योगिकी के अभाव टेक्नोलॉजी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है वो वो सारे स्टॉक में शामिल होते हैं इंक्लूड होते हैं उदा फॉर एग्जांपल आप जल जैसे जल को लीजिए दो गैसों का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है ये हम सब जानते हैं हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है परंतु इस उद्देश्य से, से इसका हम प्रयोग करने के लिए हमारे पास क्या है डेवलपमेंट मतलब डेवलप टेक्नोलॉजी का ज्ञान ही नहीं है हमें तकनीकी का ज्ञान ही नहीं है सो so, इस वजह से ये स्टॉक में आ गया अब बात करते हैं रिजर्व्स का यानी कि संचित कोष ये क्या है तो ये रिजर्व्स आर सबसेट ऑफ द स्टॉक विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिटिंग टेक्नोलॉजिकल नो हाउ बट देयर यूज हैज़ बीन स्टार्टेड दिस कैन बी यूज्ड फॉर बी

संचित को तो ये संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें मतलब क्या होता है जो उपलब्ध जो हमारे मतलब टेक्नोलॉजी का ज्ञान की सहायता के पड़े में लिया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी भी अभी तक शुरुआत इसकी नहीं की गई है और इनका उपयोग इन फ्यूचर में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है जैसे नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग जो है वो लिमिटेड मतलब सीमित पैमाने पर ही हो रहा है इस प्रकार मतलब डैम बांधों में जल वन आदि संचित कोष जिनका जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है एक एक्टिविटी है वो है प्रिपेयर लिस्ट ऑफ स्टॉक एंड रिजर्व दैट यू आर फैमिलियर विथ फ्रॉम योर लोकल एरिया अपने आसपास के एक क्षेत्र में पाए जाने वाले भंडार और संचित कोष संसाधनों की एक लिस्ट तैयार करना है आप लोगों को अब हमारा एक और टॉपिक आता है इस टॉपिक के बाद हम इस लेक्चर को समाप्त करेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज यानी कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों का विकास तो संसाधन रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ इट वाज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज अ रिजल्ट ह्यूमन बींग्स यूज देम इंडिसक्रिमिनेटली एंड दिस लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स देखिए कि अब संसाधन जो होते हैं वो क्या है संसाधन जिसका जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन करने के लिए मतलब हम लोगों को सर्वाइव करने के लिए क्या आवश्यक है संसाधन बहुत ही आवश्यक है उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी ये संसाधन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसा बिलीव किया गया है मतलब किया जाता था मतलब विश्वास किया जाता था कि संसाधन किसकी देन है नेचर की यानी कि प्रकृति की देन है और एज अ रिजल्ट परिणाम स्वरूप मानव ने इनका मतलब यूज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा कर दिया इनफैक्ट कहा जाए तो अंधाधुंध उपयोग किया है संसाधन का जिससे कुछ समस्याएं भी क्रिएट हो गई हैं प्रॉब्लम प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो गए हैं Problem, है, वो प्रॉब्लम्स है. क्या क्या हैं वो है आपका प्रॉब्लम्स है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड फॉर ए Few individuals accumulation of resources in few hands, which in turn divided the society into two segments. Have I, some notes are rich and poor. So, third is discrimination exploitation of resources and led to the global ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion. इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन यानी कि संसाधनों का विकास में संसा मतलब जैसे क्या क्या समस्याएँ खड़ी हो गई हैं तो कुछ व्यक्तियों के लालचवत संसाधनों का क्षय हो गया मतलब उसकी समाप्ति हो गई फिर संसाधन समाज में कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए जिससे समाज दो हिस्सों में संसाधन संपन्न एवं संसाधन यानी कि कुछ संसाधन का भाग जो है वो दो हिस्सों में बट गया या तो कुछ अमीर लोग के हाथ में चला गया और कुछ गरीब लोगों के हाथ में बट गया मतलब मतलब दो हिस्सों में ये बट गया और साथ में संसाधनों के इस अंधा मतलब लगातार शोषण से पूरे विश्व की जो परिस्थिति है उसमें संकट पैदा हो गया जैसे कि भूमंडलीय तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग भूमंडलीय तापन ओजोन परत अवछय पर्यावरण प्रदूषण और भूमि का ये सारे जो हैं ये सारे क्रिएट हो गए हैं अब है एन इक्वेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम इसेंशियल फॉर ए सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्सेज डिप्लेशन बाई ए फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज कंटिन्यूज द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट इज इन डेंजर दे फॉर रिसोर्स प्लानिंग इज इसेंशियल फॉर संस्टेबल एक्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ संस्टेबल एग्जिटेंस इज ए कंपोनेंट ऑफ संस्टेबल डेवलपमेंट जी हाँ मानव जीवन की अगर गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखना है तो संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा होना आवश्यक हो गया है क्योंकि मतलब कि दोनों को इक्वल मिलना चाहिए ये नहीं कि कुछ अमीर रख लिए तो कुछ गरीब रख लिए ऐसा नहीं होना चाहिए और यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए हमें क्या करना होगा संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है यानी कि प्री प्लान करके कि कौन से संसाधनों का कितना यूज़ करना है सतत तो अस्तित्व का सही अर्थ में अगर देखा जाए तो ये जो है वो पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है संस्टेबल वही संस्टेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत पोषणीय विकास इसको कहते हैं दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर थैंक्स